हाय गाइस, आज हम बात करेंगे रीफाइनेंस के ऊपर। रीफाइनेंस की कॉल जो है मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम में दी थी, बट मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, जिसका अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे वीडियो बना के आप लोगों को बताना चाहिए था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर पाएँ। तो रीफाइनेंस की जो कॉल थी वो मैंने आप लोगों को दी थी लगभग लगभग 0.40 के आसपास, जब ये 0.40 था। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये कॉल दी थी 0.40 के आसपास। यहाँ पे देखिए, रीफ इज़ करेंटली एट 0.04 USDT, इट इज़ ऑन बाइनेंस, होल्ड सम रीफ कॉइंस टिल माई एंड। यहाँ पे मैंने क्यों बोला था, क्योंकि रीफ का जो है, रीफ चेन का मेननेट लॉन्च होने वाला था 31 मई 2021 को, यानी होने वाला है अगर आप फ्यूचर में वीडियो नहीं देख रहे हो तो। अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो 31 मई तक अभी भी समय है और काफ़ी कुछ इसमें आपको देखने को मिल सकता है हमें। तो रीफ फाइनेंस की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं, जान लेते हैं क्या है रीफ फाइनेंस और बाकी सब बातें भी कर लेते हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि क्यों बुलिश हूँ 31 मई तक मैं इसके लिए, क्योंकि सबसे पहले तो इसका लॉन्च डेट सेट है चेन मेननेट का। मेननेट जो होता है वो अपग्रेड होता है चेन में, ठीक है, जो ब्लॉक चेन होती है उस पर अपग्रेड होता है उसका, एक तरह से अपग्रेड जो होता है एक अच्छी हाइप लेके आता है कॉइन को उठाने के लिए, पंप के लिए। तो मई के आखिर तक आप इसे होल्ड कर सकते हो अभी लेके, लेकिन अभी ना लेना, एग्जैक्ट अभी मत लेना जब ये उठा हुआ है, अभी नहीं। अभी जब ये गिरेगा तो बाय जोन इसका हो जाएगा लगभग 4748 के आसपास, अगर आता है तो आप इसको पिक कर लो। अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो इसको अभी ऐसे ही पिक कर लो जितने पे भी चल रहा है, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, ठीक है। इसका जो ऑल टाइम हाई था वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये पिछले 3 जनवरी से लेकर अभी तक ये कई बार $0.5 के आसपास को टच कर चुका है, $0.05 को सॉरी टच कर चुका है। और ऑल टाइम हाई इसका हम देखेंगे तो 0.05841 जो है इसने मार्च 15 को बनाया था। तो ये अपने ऑल टाइम हाई को तो टच करेगा, क्योंकि मेननेट एक ऐसी खबर है जिसको आसानी से पंप मिलता है, जिसकी वजह से। तो ये पॉइंट अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा 0.58 तक तो ये जाएगा, ठीक है, उससे ऊपर भी जाने के चांसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देख लेते हैं, 12.67 बिलियन है सर्कुलेटिंग सप्लाई के हिसाब से। इसकी प्राइस जो है इन कंपेरिजन थोड़ी कम है अभी भी, और देखते हैं क्या होता है। 10 सेंट्स के आसपास हम इसको देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। मैं रियल चीज़ें बताता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले बताया मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के में कुछ सपने नहीं दिखाता आपको कि इतना बढ़ेगा इतना बढ़ेगा। मैं यहाँ पर रियल अगर एनालिसिस करूँ तो 10 सेंट्स के आसपास हम इसे देख सकते हैं, 10 सेंट्स यानी कि 10 रुपये के आसपास, ठीक है। अभी ये 3 रुपये के आसपास है, तो हम इसे 10 रुपये तो पहले देखेंगे, उसके बाद जो कुछ होना वो होगा। 10 रुपये का आप आसानी से लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पर 3 रुपये चल रहा है कॉइन 3-4 रुपये के आसपास, तो आप इसे बाय करके होल्ड कर सकते हो। मई 31 आने से पहले आप लोग एक बार इसे थोड़ा सावधान हो जाना, क्योंकि ड्रॉप आएगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप लोग फिर से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि रीफ के और भी इवेंट्स हैं जो आने वाले हैं। रीफ फाइनेंस जो ऐप है वो डेफी, यानी कि जो आपका फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता है, अगर आप शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड ही कॉइन है। अभी मैं आपको इसको पूरा बताता हूँ यहाँ पर। अरे खुल चलिए यहाँ से इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं, खुल क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। रीफ फाइनेंस सेट्स लॉन्च डेट ये हो गया आपका। लॉन्च ऑफ रीफ चेन विल एनेबल डीफाई डेवलपर्स टू मेक यूज ऑफ अ हाईली स्केलेबल एंड फुल्ली EVM कंपैटिबल ब्लॉकचेन दैट इज इंटीग्रेटेड इन द पोल्का डॉट इकोसिस्टम। पोल्का डॉट इकोसिस्टम में बनाई जाने वाली ये वाली जो ब्लॉकचेन है EVM कंपैटिबल होगी, हाईली स्केलेबल होगी, और इस रीफ चेन जो है पहले तो स्टैंड अलोन ब्लॉकचेन बनके लॉन्च होगा, फिर बेस्ड ऑन द सबसेट विल मेक्स इट सिंपल टू प्लग इन टू द, फिर इसको पोलका डॉट की पैराचेन में जो है प्लग किया जा सकता है बाद में, ठीक। तो ये जो है रीफ पूरी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड है ब्लॉकचेन में। और नीचे अगर हम लोग आप इसके ब्लॉग में जाएंगे तो आप इसके ब्लॉग को भी चेकआउट कर सकते हो, और इनकी टीम के जितने भी बेसिकली वर्क होते हैं उनको पढ़ लिया करो इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी कॉइन की, तो अच्छा रहता है। इंट्रोडक्शन टू रीफ स्टार्टर प्लेटफॉर्म, वी क्रिएटेड रीफ फाइनेंस टू सिंप्लीफाई द एंट्री प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टर्स इन टू द फ्लरिशिंग डेफाई इंडस्ट्री। अच्छा, डेफाई में क्या मतलब है, डेफाई का मतलब है इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं स्टॉक्स में, कंपनियों में, रियल वर्ल्ड में आज की
वही ब्लॉकचेन के वर्ल्ड में हम लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं नई कंपनीज, नई कॉइन्स, नई तरह की चीज़ों में, तो उससे रिलेटेड जो ये कॉइन है वर्क करता है, ठीक है। और इसका आइडियो आया था उसके रिलेटेड, यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएगी, मीडियम पे पढ़ सकते हो, ठीक। यहाँ पर आप कॉइन मार्केट कैप पर जो इसका प्राइस है वो मुझे लगता है कि $10 के आसपास इसे हम देख सकते हैं, ठीक। रीफ इज़ अ डेफाई प्लेटफॉर्म बिल्ट ऑन पोलका डॉट दैट एम्स टू डिलीवर क्रॉस चेन ट्रेडिंग, ठीक। क्रॉस चेन यानी कि एक चेन से दूसरी चेन के कॉइन को ट्रेड करना। अ यील्ड इंजन एंड अ स्मार्ट लिक्विडिटी एग्रीगेटर आर अमंग द प्रोजेक्ट्स ऑफरिंग। वर्क बिगेन ऑन द प्रोजेक्ट इन सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में वर्क शुरू हुआ था, ठीक है। इज करेंटली फ्रेगमेंटेड क्रिएटिंग अ पेनफुल एक्सपीरियंस, ओके ठीक है। फिर उसके नीचे आप आ सकते हो कि देख सकते हो रीफ को किसने किया था, फाउंड किसने किया था, और इज मोटिवेशन वॉज टू रिमूव टेक्निकल बैरियर्स टू एंट्री फॉर रिटेल इन्वेस्टर हु वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व इन डेफी, ठीक है। जो इनके फाउंडर हैं उन्होंने क्या क्या बात कही यहाँ पर दिया हुआ है कि टेक्निकल बैरियर्स जितने आते हैं जब हम कुछ ट्रेड करते हैं कॉइन्स को वगैरह वगैरह। अच्छा, रीफ सिक्योर्ड कैसे, सिक्योरिटी मॉडल जो पोलका डॉट का है उससे सिक्योर्ड किया गया है, ठीक है। बाकी रीफ का सर्कुलेटिंग सप्लाई जो था 3 बिलियन टोकन्स था, तो टोटल सप्लाई 3% जो है बाइनेंस के लॉन्च पूल को एलोकेट की गई है, बाकी इन्वेस्टर्स को, और बाकी आप ये सब पढ़ सकते हो। नीचे आओ तो आपको दिख सकता है बाइनेंस पर रीफ मिल जाएगा आपको, और कहाँ कहाँ है रीफ यहाँ पर आपको बता देगा। तो रीव एक अच्छा कॉइन है जिसको आप बाय कर सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी बाइनेंस पर है, gate.io पर है, यूनिस्वाइप पर है, तो ये इन जगह तीनों जगह पे आप इसे बाय कर सकते हो। अगर आपने बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बाइनेंस पे अकाउंट बना लो और वहाँ से जाके आप रीफ को बाय कर सकते हो, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद वजीर एक्स से आप USDT अपना उसमें भेजना, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, 2 वीडियो पहले, तो उसमें आप देख लेना, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूँगा, और रीफ का मैंने आपको बता ही दिया है जो मोस्टली चीज़ें हैं, और मैं इसको 10 सेंट के आसपास लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात काफ़ी होगी वैसे, चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।